हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ इन्फिनिक्स के नोट 4 को मोटोरोला के मोटो E4 प्लस के साथ में, और बताऊंगा दोनों ही फोन में से आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं बिलो डिजाइन की। तो यहाँ पर इन्फिनिक्स की बात करते हैं तो इन्फिनिक्स नोट 4 में आपको प्लास्टिक का बॉडी देखने को मिल जाएगा। बैक पैनल थोड़ा ग्लॉसी टाइप का मिलेगा आपको, ग्लास जैसा आपको दिखेगा, बट वो ग्लास नहीं है, वो आपको प्लास्टिक बॉडी के साथ में आता है। और बात करते हैं मोटोरोला के मोटो E4 प्लस की, तो वहाँ पर आपको मेटल का डिजाइन देखने को मिलेगा। यूनिबॉडी मेटल नहीं है क्योंकि इसका बैक पैनल ओपन होता है, बट यहाँ पर आपको मेटल का यूज करा गया है बैक पैनल में। तो ओवरऑल अगर डिजाइन की बात करा जाए तो मोटोरोला का मोटो E4 प्लस का डिजाइन इन्फिनिक्स नोट 4 से बेटर है। और बात करते हैं डिस्प्ले की, तो यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 4 की बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 5.7 इंच का फुल HD IPS डिस्प्ले। और PPI की बात करें तो यहाँ पर आपको 387 का PPI देखने को मिल जाएगा। और बात करते हैं मोटोरोला के मोटो E4 प्लस की, तो वहाँ पर आपको 5.5 इंच का 720p IPS डिस्प्ले देखने को मिलेगा। PPI की बात करें तो 267 का PPI मिलेगा। और बात प्रोटेक्शन की बात करें तो इन्फिनिक्स के डिस्प्ले में आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। और यहाँ पर E4 प्लस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन के साथ में आता है। तो दोनों में से कौन सा डिस्प्ले अच्छा है, तो ऑफकोर्स इन्फिनिक्स नोट 4 का डिस्प्ले ज़्यादा अच्छा रहने वाला है क्योंकि इसमें आपको PPI 387 का मिलेगी, तो आपको पिक्सलेशन ज़रा भी देखने को नहीं मिलेगा। और बात करते E4 प्लस की, तो आप जूम करके देखोगे, आप डिस्प्ले को आंख से नज़दीक ला के देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत पिक्सलेशन देखने को मिल सकता है। तो डिस्प्ले के मामले में इन्फिनिक्स नोट 4 जीत जाता है। और बात करते हैं प्रोसेसर की, तो यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 4 में आपको मीडियाटेक का MT7753 का प्रोसेसर दिया हुआ है। 1.3 गीगाहर्ट्ज़ पे काम करता है, ये ऑक्टाकोर का प्रोसेसर है। और E4 प्लस की बात करूँ मोटोरोला के, तो वहाँ पर आपको दिया हुआ है MT6737 का प्रोसेसर, ये भी 1.3 गीगाहर्ट्ज़ पे काम करता है, बट ये क्वाडकोर का प्रोसेसर है। तो दोनों ही प्रोसेसर में से कौन सा बेटर है, तो दोनों ही फ़ोन का प्रोसेसर ऑलमोस्ट सेम है, 19-20 का फ़र्क होगा। दोनों ही प्रोसेसर में आप एकदम हाई एंड गेमिंग हाई सेटिंग्स में नहीं खेल सकते हो, एवरेज गेमिंग कर सकते हो, और हाई एंड भी खेलोगे तो आप नॉर्मल और मीडियम सेटिंग में आप इसमें खेल सकते हो। तो डे टू डे यूजेज में आपको दोनों ही फ़ोन में लैगिनेस वगैरह देखने को नहीं मिलेगी, बट आप एकदम हाई एंड गेमिंग करोगे तो आप इसमें ज़्यादा आपको मज़ा नहीं आएगा, लैगिनेस और शटर देखने को मिल जाएगा, तो प्रोसेसर के मामले में ड्रॉ हो जाती है। और बात करते हैं कैमरास की, तो यहाँ पर जो इन्फिनिक्स का नोट 4 है वहाँ पर आपको मिलेगा बैक में 13 मेगापिक्सल का कैमरा, फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा। और बात करते हैं मोटोरोला के मोटो E4 प्लस की, तो आपको बैक में मिलेगा 13 मेगापिक्सल का कैमरा जिसका अपर्चर 2.0 का है। फ्रंट कैमरे की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा 5 मेगापिक्सल जिसका अपर्चर 2.2 का है। तो दोनों ही कैमरा में से कौन सा बेटर रहेगा, तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत मोटोरोला मोटो E4 प्लस का थोड़ा स्लाइटली बेटर कैमरा रहेगा, क्योंकि मैंने मोटोरोला का कैमरा खुद से यूज़ करके देखा हूँ, मुझे थोड़ा अच्छा लगा ये प्राइस पॉइंट में, मुझे 10,000 की रेंज में सबसे अच्छा कैमरा लगा है मोटोरोला का मोटो E4 प्लस का। फिर इन्फिनिक्स का भी मैंने रिव्यूज़ वगैरह देखा हो तो उसका भी अच्छा कैमरा है, मतलब ठीक ठाक रिजल्ट मिल जाएगा, बट स्लाइटली मैं विन देना चाहूँगा मोटोरोला के मोटो E4 प्लस को। तो कैमरा डिपार्टमेंट में ड्रॉ ही हो जाती है, बट थोड़ा सा आपको मोटोरोला का मोटो E4 प्लस में आपको रियर कैमरा में अच्छा मिल जाएगा, और फ्रंट कैमरा तो ऑलमोस्ट दोनों का सेम ही रहने वाला क्वालिटी। और बात करते हैं यहाँ पर सेंसर्स की, तो यहाँ पर आपको जो दोनों ही फ़ोन है आपको सभी सेंसर देखने को मिल जाएंगे। और फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करूँ तो मोटोरोला का फ़ोन इसमें आपको फ्रंट माउंटेड मिलेगा, और जो इन्फिनिक्स नोट 4 है उसमें भी आपको फ्रंट माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। दोनों ही फ़ोन को अनलॉक कर लेते हैं, बहुत ही फास्ट कर लेते हैं, तो ये डिपार्टमेंट में भी ड्रॉ हो जाती है। और बात करते हैं यहाँ पर हाईलाइटिंग फीचर की दोनों फ़ोन की, अगर इन्फिनिक्स नोट 4 की बात करूँ बैटरी की, तो वहाँ पर आपको मिलेगा 4300 mAh की, जो एक्स चार्ज टेक्नोलॉजी के साथ में आती है, जो इन्फिनिक्स के फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी है। और बात करते हैं मोटोरोला के मोटो E4 प्लस की, तो यहाँ पर आपको मिलेगा मैसिव 5000 mAh की बैटरी, जो कि आराम से अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हो तो 2 दिन तो चली जाएगी, और जो इन्फिनिक्स नोट की बैटरी है वो भी 1.5 से 2 दिन ऑलमोस्ट चली जाएगी अगर आप नॉर्मल टू मॉडरेट यूज़ करते हो। तो दोनों में से बैटरी डिपार्टमेंट में तो ऑफकोर्स मोटोरोला का मोटो E4 जीत जाता है। और बात करते हैं ओवरऑल फ़ोन की रैम और स्टोरेज की बात करते हैं, तो दोनों ही फ़ोन में आपको 3 GB की रैम, 32 GB की इंटरनल स्टोरेज। और दोनों ही फ़ोन में मुझे एक चीज़ अच्छी लगी है, यहाँ पर आपको डुअल सिम प्लस मेमोरी कार्ड का ऑप्शन दिया हुआ है। 128 GB तक आप दोनों ही फ़ोन में मेमोरी कार्ड डाल सकते हो, प्लस आप 2 सिम भी यूज़ कर सकते हो 4G वोल्टी के साथ में। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी दोनों फ़ोन में। और बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो यहाँ पर जो इन्फिनिक्स का नोट 4 है वो चलता है एंड्रॉयड नुगट 7.0 पे, और XOS करके इन्फिनिक्स का जो UI है उस पर ये वर्क करता है। और बात करते हैं मोटोरोला के मोटो E4 प्लस की, तो ये भी चलता है नुगट के 7.1 पे, और ये स्टॉक एंड्रॉयड के साथ में आता है। तो ओवरऑल अगर प्राइस की बात करूँ तो जो इन्फिनिक्स का नोट 4 है वो आपको इंडिया में मिलना स्टार्ट हो जाएगा, फ्लिपकार्ट पे स्टार्ट हो ही गया है,
8,999 रुपये में। और बात करते हैं मोटरोला के मोटो E4 प्लस की, तो वो आपको मालूम है 9999 में मिलेगा, मतलब तकरीबन 10,000 और 9,000 दोनों फ़ोन में 1,000 का डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, आपको दोनों फ़ोन में से कौन सा लेना चाहिए? तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन्फिनिक्स का नोट 4 भी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। 9,000 में हमें डुअल सिम प्लस मेमोरी कार्ड, डिस्प्ले फुल HD का है, हर चीज़ आपको ओवरऑल पैकेज दे रहा है, बैटरी भी अच्छी, कैमरा भी ठीक ठाक है। और मोटोरोला का मोटो E4 प्लस तो आप सभी को पता है, वो भी वैल्यू फॉर मनी है 10,000 में। बट आपको कौन सा लेना चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो मोटोरोला का मोटो E4 प्लस बेटर है ऑप्शन रहेगा नोट 4 के हिसाब से इन्फिनिक्स के, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं बैटरी लाइफ की। तो यहाँ पर आपको स्लाइटली इन नोट 4 से आपको अच्छी बैटरी लाइफ मिल जाएगी, प्लस आपको बिल्ड क्वालिटी भी मेटेलिक मिल जाएगी। और यहाँ पर जो मोटोरोला की बात करते हैं सर्विस की, तो यहाँ पर मोटोरोला के आपको सभी को पता होगा कि लेनोवो टेक ओवर कर दे, तो लेनोवो के मतलब सर्विस ठीक है, मतलब इतनी अच्छी सर्विस नहीं है, बट एटलीस्ट इंडिया में सर्विस सेंटर बहुत सारे हैं, तो आप मतलब एटलीस्ट आपको थोड़ा लेट मिलेगा बट सर्विस करके मिल जाएगा। और इन्फिनिक्स नोट 4 की बात करते हैं, तो यहाँ पर अभी इंडिया में ये लॉन्च हुआ है, तो ये नई कंपनी है, तो अभी हार्डली मतलब आप थोड़ा बहुत मतलब सर्विस सेंटर होंगे कि वो भी नहीं होंगे, वो भी अभी तक पता नहीं है। तो अगर आपका फ़ोन लेते हो और मतलब 10 दिन अगर आपका जो रिप्लेसमेंट है फ्लिपकार्ट का 10 दिन के अगर अंदर हो जाता है, तो आपको रिप्लेसमेंट तो मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपके फ़ोन को कुछ होता है तो वो बता नहीं सकते कि मतलब सर्विस मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो वो थोड़ा मेरे मन में डाउट था इन्फिनिक्स नोट 4 को लेके या इन्फिनिक्स के मॉडल को लेके। तो मेरे हिसाब से ये टाइम पे तो आपको मोटोरोला का मोटो E4 प्लस ही लेना चाहिए, क्योंकि आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है। 1,000 आपका ज़्यादा जा रहा है, बट आपको उसमें बैटरी भी ज़्यादा मिल रही है, और आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिल रहा है, और आपको मेटेलिक बॉडी भी देखने को मिल रही है, और थोड़ा स्लाइटली कैमरा भी अच्छा मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से मोटोरोला का मोटो E4 प्लस दोनों ही फ़ोन में से बेटर रहेगा आपके लिए। तो आपको क्या लगता है दोनों फ़ोन में से कौन सा बेटर रहेगा, तो मुझे ज़रूर से कमेंट करके नीचे बताइएगा कि आपकी क्या राय है, और मतलब इन्फिनिक्स नोट 4 लोगे क्या मोटोरोला का मोटो E4 प्लस लोगे। तो जैसा भी रहेगा मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ आपसे ऐसी अगली किसी वीडियो में, जब तक ले थैंक यू।